वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मल्टीवैगर वर्ल्ड और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको 30 मल्टीवैगर स्टॉक बताने वाला हूँ जो कि स्मॉल कैप कंपनीज हैं और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है और कंपनी के बिजनेस के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो में। और ये मैं आपको बता दूँ कि स्मॉल कैप कंपनीज जो कि आपको कई गुना रिटर्न देने का दम रखती है, तो उसमें रिस्क भी उतना ही होता है, इसलिए उतना ही इन्वेस्टमेंट करें जिसको आप भूल सकें इन्वेस्ट करने के बाद। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप तभी कहलाएंगे जब आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे काफी सालों के लिए भूल जाएं। तो चलिए देख लेते हैं हम उन स्टॉक्स को। तो गाइस, तो दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। चाहे आप ज़रोधा, अप स्टॉक्स या एलिस ब्लू, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें उसमें आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट लिया करते हैं, डिलीवरी एकदम फ्री है और इंट्राडे ना के बराबर ब्रोकरेज लिया करते हैं। और अब जो हमारी कंपनी है ये है आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका काम है आईटी सर्विस में सॉल्यूशन और सर्विसेज प्रोवाइड करना। किस तरह की सर्विसेज और सॉल्यूशन देती है ये भी देख लेते हैं। तो कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सबसे ज़्यादा काम कर रही है, जो कि आने वाला फ्यूचर है, जो कि है ऑटोमेशन, एआई एंड डेटा, और डिज़ाइंस में भी ये काम किया करती है। इनकी जो सर्विसेज हैं वो फाइनेंशियल इंश्योरेंस में है, हेल्थ एंड सर्विसेज में है, रिटेल और ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम में भी हैं। इस कंपनी के जो पार्टनर्स हैं वो हैं AWS, ऑटोमेशन एनीवेयर, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, सेल फोर्स, UiPath और भी कई सारे। तो यहाँ पर आप इसका प्राइस देख सकते हो, 200 के ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है, 2449 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल चल रहा है। ROE यहाँ पर देख सकते हैं 21.8% पर है और यहाँ पर ROC 26.2% पर है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। डेट देख सकते हैं 0.33 करोड़ का, यानी कि 33 लाख का इसके ऊपर डेट है, जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, जिसके पास कैश फ्लो 106 करोड़ का पड़ा हुआ है और प्रॉफिट जो है 127 करोड़ का। तो कंपनी का इंडस्ट्री भी आप यहां पर देख सकते हैं 29.8, जिस वजह से आप यहां पर कह सकते हैं कि कंपनी के पास अभी एक्सपेंड करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहां पर कंपनी के प्रोस पर नजर डालें तो कंपनी ने अपना जो डेट है वो रिड्यूस कर ऑलमोस्ट डेट फ्री बन चुकी है। कंपनी की यहां पर शेयर होल्डिंग देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसकी जो होल्डिंग है वो यहां पर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है 2018 के मुकाबले। तो यहां पर होल्डिंग जो है वो अब 51.58% की हो चुकी है। यहां पर DIFIs की अभी कोई होल्डिंग नहीं है, बट आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग देखी जा सकती है। और बाकी बचा हुआ जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास रखी हुई है। यहां पर देख सकते हैं कंपनी का जो एक साल का रिटर्न है वो करीब 94% का रहा है। 5 ईयर्स का जो रिटर्न हम देखेंगे तो यहां पर 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है, और मैक्सिमम जब से ये लिस्ट हुई है यानी कि 2006 से तब से अब तक ये करीब 7-7.5 गुना का रिटर्न दे चुकी है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो ये थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है, बट डरने की बात इसमें भी नहीं है क्योंकि इसके भी प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ सकते हैं। रिटर्न अच्छा देती है कंपनी, डिविडेंड की एक्सपेक्ट ना करें स्मॉल कैप कंपनी से। एंट्री पॉइंट अट्रैक्टिव है, यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं देखा गया है और कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए, जिस वजह से प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हो 2017 से 22.54 करोड़ का देखने को मिला, और 2020 तक जो ईयरली प्रॉफिट है वो 82.90 करोड़ का रहा है।